अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनम और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल बी फॉर बेस्ट फूड। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी से स्नैक्स की रेसिपी लेकर आई हूं, जो कि है ब्रेड स्नैक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टफिंग तैयार करेंगे। उसके लिए एक पैन में 4 टेबलस्पून ऑयल लेंगे, उसके अंदर 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा डालेंगे, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, 1 टीस्पून ही इसके अंदर ब्लैक पेपर डालेंगे, काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून ही इसके अंदर नमक डालेंगे। अब इन सब मसालों को हम थोड़ा सा पका लेंगे, इनको जलाना नहीं है, बस थोड़ा सा इनको पकाना है, हल्का सा। अब इसके अंदर बारीक कटी हुई एक गाजर डाल देंगे, इसको पका लेंगे थोड़ा सा, गाजर को हल्का सा बस हमने नरम करना है, इसको भी ज़्यादा नहीं हमने पकाना। उसके बाद इसके अंदर एक कप बंद गोभी डाल देंगे, इसके साथ ही एक बारीक कटी हुई शिमला मिर्च डाल देंगे। इनको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से और हल्का सा इनको सौते कर लेंगे। सब्जियों का क्रंच नहीं जाना चाहिए, बस हल्का सा इनको फ्राई करना है। अब इसके अंदर 3 उबले हुए आलू डाल लेंगे। मैंने आलूओं को बॉयल करके इनको कद्दूकश से अच्छी तरह से मैश कर लिया था, इनको बहुत बारीक सा हमने मैश करना है। इसको मिक्स कर लेंगे इसके अंदर। आलूओं को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसके अंदर 2 टेबलस्पून हरा धनिया डाल देंगे, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे, 1 टेबलस्पून लेमन जूस डाल देंगे। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सब्जियों को मिक्स करने के बाद इसको अब हम ठंडा कर लेंगे, अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। उसके बाद अब 4 स्लाइस मैंने यहाँ पर ब्रेड के लिए हैं, एक एक स्लाइस हम उठाते जाएंगे और ये जो स्टफिंग हमने रेडी की है इसको अच्छी तरह से ब्रेड के स्लाइस के ऊपर फैला देंगे। बहुत मोटा मोटा नहीं लगाएंगे, बस अच्छी तरह से इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। अब छुरी से इसके पीस कर लेंगे। बेशक तो आप इसके 4-4 पीस भी कर सकते हैं, 2 पीस भी कर सकते हैं, या अपनी मर्ज़ी से इसको ट्रायंगल शेप भी दे सकते हैं। अपनी मर्ज़ी से आप इसको कोई भी शेप दे सकते हैं, मैंने इसको स्क्वायर शेप में कट किया है। अब इसी तरह हम अपने सारे स्नैक्स जो हैं वो रेडी कर लेंगे। अब स्लरी बनाने के लिए 3 टेबलस्पून मैंने मैदा लिया है, इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसकी एक गाढ़ी स्लरी तैयार कर लेंगे। बहुत पतला इसको नहीं रखेंगे, एक गाढ़ा सा इसका बैटर तैयार कर लेंगे। स्लरी तैयार हो चुकी है, इस तरह एक गाढ़ा सा इसका बैटर रखना है। अब एक एक हम पीस ब्रेड का उठाते जाएंगे, पहले स्लरी में डिप करेंगे इसको अच्छी तरह से, फिर इसको ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे। इसको ब्रेड क्रम्स से अभी चारों तरफ से इसको कोट कर लेंगे। ऑयल यहाँ पे अब गरम हो चुका है, बहुत तेज़ गरम ऑयल में हम इन स्नैक्स को नहीं डालेंगे, बस हल्का सा गरम होना चाहिए। इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए एक साइड से पकाएंगे। उसके बाद ये देखिए इसको हम पलट देंगे चिमटे की मदद से। चम्मच यूज़ नहीं करेंगे कोई, उससे ये टूट सकते हैं। चिमटा यूज़ करेंगे, उससे आहिस्ता आहिस्ता हल्के हाथ से हम इसको पलट देंगे, दोनों साइडों से कलर आने तक इसको फ्राई कर लेंगे। ये देखें जी कितना प्यारा और ख़ूबसूरत सा दोनों साइडों पे इसके ऊपर गोल्डन ब्राउन सा कलर आ गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे और ऐसे ही अपने सारे स्नैक्स फ्राई कर लेंगे और इनको डिश आउट कर लेते हैं। अब हम स्नैक्स को मैंने प्लेट में निकाल लिया है, अब मैं आपको दिखाती हूँ ये कितने क्रिस्पी बने हैं। जितनी मज़े की इसकी आवाज़ है खाने में, ये उतने ही मज़े के टेस्टी यमी से ब्रेड स्नैक्स बनते हैं। आप अपने बच्चों को लंच में दे सकते हैं या आप ख़ुद टी टाइम में इसको एंजॉय कर सकते हैं। बहुत मज़े की ये रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।